दोस्तों YouTube की तरफ से एक बहुत ही अच्छा अपडेट लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है MLA यानी मल्टीपल लैंग्वेज ऑडियो। और यानी फ्रेंड्स, आप जब भी किसी यूट्यूबर्स की वीडियो को देखेंगे उसकी वीडियो पे क्लिक करने के बाद, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको एक ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप उसकी वीडियो की ऑडियो जो है ना दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, जैसे हिंदी की, इंग्लिश में, पुर्तगीज में, यानी किसी भाषा में आप ट्रांसलेट करके उसको डब करके आप देख पाएंगे। तो सच कहूं दोस्तों, बहुत ही अच्छा अपडेट है, खुशी से झूमने वाला अपडेट है। और इस अपडेट से आपके वीडियो पे व्यूज भी ज्यादा आएंगे और आपके चैनल की जो अर्निंग है, आपके चैनल की जो कमाई है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इस अपडेट को लेकर के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया होगा, आपने उन टेक्निकल यूट्यूबर्स की वीडियो देखा होगा कि इस अपडेट के बारे में वीडियो बना रहे हैं और आप खुशी से झूमने लगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा अपडेट है, लेकिन उतना भी अच्छा अपडेट नहीं जितना अच्छा आप समझ रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, अपडेट अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा अपडेट नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी भी बता दूं, बहुत सारे टेक्निकल यूट्यूबर ने इस अपडेट के ऊपर वीडियो बना दिया है और आपको बताया है MLA यानी मल्टीपल लैंग्वेज ऑडियो ट्रैक के अपडेट के बारे में, लेकिन फ्रेंड्स वो लोग आपको अधूरी बातें बताए हैं, मतलब एक तरीके से गलत जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं और अपडेट क्या है मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अपडेट क्या है। तो दोस्तों देखिए, YouTube का एक नया अपडेट लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है MLA यानी मल्टीपल लैंग्वेज ऑडियो ट्रैक। इसमें क्या होगा कि फ्रेंड्स, अब आप किसी की वीडियो को देखेंगे तो वहां पे वीडियो की सेटिंग में जाएंगे, तो वहां पे सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप उसकी ऑडियो को यानी वीडियो की ऑडियो को दूसरी भाषा में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, वीडियो तो वही रहेगी, उसकी ऑडियो को आप अपनी भाषा में सुन के देख पाएंगे। अब इससे दोस्तों आपकी वीडियो पर व्यूज कैसे ज्यादा आएंगे और आपके चैनल की जो अर्निंग है वो कैसे ज्यादा होगी, इस बात को आपको सुनना जरूरी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं मेरी तरह, तो एक लिमिटेशन में आप वीडियो बना रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, आपकी जब वीडियो हिंदी में है तो सिर्फ हिंदी को समझने वाले ही आपकी वीडियो को देखते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, मान लीजिए US वगैरह में, कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में अगर मेरी वीडियो को लोग हिंदी नहीं समझते हैं, यानी हिंदी उनको समझ नहीं आती है, तो मेरी वीडियो को लोग नहीं देखेंगे। तो अब क्या होगा, इस फीचर से ऑडियो ट्रैक से यानी वीडियो की भाषा को ही लोग चेंज कर देंगे, यानी इंग्लिश को हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में देख सकते हैं, पुर्तगीज, रशियन, जापानीज, कोरियन, किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके देखेंगे तो वहां पर मेरी वीडियो पर ज्यादा व्यू जाएंगे। और जब वहां से फॉरेन कंट्री से मेरी वीडियो पर व्यू जाएंगे तो मेरे चैनल की जो अर्निंग है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यानी फ्रेंड्स, RPM CPM बहुत ज्यादा हाई होगा, तो कम व्यूज पे मुझे बहुत ज्यादा डॉलर बनने लगेंगे। और दोस्तों आपको जान के एक बात की हैरानी होगी कि इस अपडेट को लेकर के जो लोग वीडियो बना रहे हैं आजकल में, यानी फ्रेंड्स आज है 2 मार्च 2023 और आजकल के डेट में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस अपडेट के ऊपर वीडियो बनाई है, आपने उनकी वीडियो भी देखा होगा, ठीक है, आप खुशी से झूम गए होंगे। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी एक बात की कि इस अपडेट के ऊपर मैंने अपने चैनल पे 2 महीने पहले ही वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बता दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है, मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ। ने एक नया अपडेट लाया, एक नया फीचर्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑडियो ट्रैक। यानी फ्रेंड्स, जब भी आप YouTube पर किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियो को देखेंगे तो उसकी वीडियो को ऑडियो को आप चेंज कर पाएंगे, यानी उसकी वीडियो को ऑडियो ट्रैक को आप चेंज कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश की वीडियो है तो आप उसको हिंदी में देख सकते हैं, जापानीज में, रशियन में, कोरियन में, पुर्तगीज में, किसी और भी भाषा में देख सकते हैं। तो क्या है अपडेट, देखा दोस्तों, मैंने 2 महीने पहले ही अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर दी है, आज है 2 मार्च 2023 और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, देखिए ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया है, जनवरी 2 2023 को अपलोड कर दिया, यानी आज से 2 महीना पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड करके इस अपडेट के बारे में बता दिया है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को बोलता हूँ कि अपडेट की वीडियो जल्दी पाने के लिए और सही से अच्छे से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो दोस्तों ये है अपडेट। अब दोस्तों यहां पे मेन बात करते हैं कि लोग आपको क्या गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या गलत बातें बता रहे हैं। दोस्तों देखिए, अपडेट यह है कि आप किसी भी वीडियो की ऑडियो ट्रैक के दूसरे भाषा में सुन के देख सकते हैं, ठीक है, अपडेट है जो कि सही है। लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर्स आपको अपने वीडियो में क्या बता रहे हैं कि इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं होगा, YouTube आपके वीडियो की ऑडियो को ऑटोमेटिक डब कर देगा, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर देगा दूसरी भाषा में, जो कि बिल्कुल भी गलत है। यानी दोस्तों YouTube कभी भी आपकी वीडियो की ऑडियो को दूसरी भाषा में, दूसरे मतलब की लैंग्वेज में कभी भी ट्रांसलेट नहीं करेगा, इसके लिए आपको मैन्युअली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा ध्यान से सुनिए, जैसे दोस्तों अभी आपको मैं बता दूं कि फ्रेंड्स सभी लोग तो यही समझ रहे हैं, लेकिन क्रिएटर इंसाइडर चैनल पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, उन्होंने इस अपडेट के बारे में बता दिया है। उस अपडेट में यानी क्रिएटर इंसाइडर के वीडियो में आपको एकदम डिटेल में बताया गया है कि ये जो अपडेट है ना
ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपने चैनल पे उन ऑडियो को ऐड करना पड़ेगा जिन वीडियो लैंग्वेज में आप अपनी वीडियो को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो को लोग इंग्लिश में देखें, दूसरे जगह देखें, दूसरे कंट्री में देखें, तो मुझे इंग्लिश में वीडियो को बोलना पड़ेगा सेम टू सेम, या किसी और से डब कराना पड़ेगा, या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी वीडियो को इंग्लिश में डब करा के उसकी ऑडियो को अपनी वीडियो में अपलोड करना पड़ेगा। और यह फीचर्स आपको कहां मिलेगा, जहां पे आप अपने वीडियो में सबटाइटल कैप्शन वगैरह लगाते हैं, जहां पे लिखने वाला टाइपराइटिंग वाला आता है, वहीं पर दोस्तों आपको यह फीचर्स मिलेगा, वहीं से आप उस ऑडियो को अपलोड कर पाएंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए मेरी वीडियो हिंदी में है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो को कोई इंग्लिश में देखे, जापानीज में देखे, कोरियन में देखे, पुर्तगीज में देखे, थाई में देखे, किसी भी भाषा में देखे, तो उस भाषा में मुझे अपनी वीडियो को बोल के ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या किसी से डब कराना पड़ेगा, या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से डब करके मुझे वहां पे उस वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। अगर मैं अपलोड करूंगा तभी मेरी वीडियो का ऑडियो ट्रैक चेंज होगा, यानी भाषा चेंज होगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर्स आपको यही बता रहे हैं, सभी लोग यही समझा रहे हैं कि बस आपको कुछ भी नहीं करना, यूट्यूब ऑटोमेटिक आपकी भाषा को चेंज कर देगा, आपकी वीडियो को डब कर देगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, आधा अधूरी बातें लोग बता रहे हैं। यानी फ्रेंड्स इसके लिए आपको मैन्युअली वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैंने बोला कि अपडेट अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा अपडेट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अपडेट आपके लिए अच्छा ही है, ठीक ठाक साबित होने वाला है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मिस्टर बीस्ट के चैनल पर यह अपडेट देखने को कैसे मिल रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपके इस डाउट को भी क्लियर कर दूं। देखिए मिस्टर बीस्ट का चैनल छोटा चैनल नहीं दोस्तों, उनके चैनल पे इस वक्त 136 मिलियन से ज्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और उनके पास उनकी जो अर्निंग है ना, करोड़ों अरबों में अर्निंग है, उनके पास हजारों वर्कर्स हैं, हजारों की टीम है, ठीक है। और उनकी जो वीडियो है ना, जैसे मान लीजिए वो इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं मिस्टर बीस्ट, उनकी वीडियो की जो ऑडियो है ना आप देख रहे हो हिंदी में, जापानीज में, थाई में, पुर्किज में, कोरियन में आप डब करके देख रहे हैं, तो हर अपनी वीडियो की जो ऑडियो ना, हर वीडियो में वो हर भाषा में वो डब कराते हैं, डब कराने के बाद अपनी उस ऑडियो को अपनी वीडियो में अपलोड करते हैं, तब जाके आप उनकी वीडियो को हर भाषा में ट्रांसलेट करके देख पाते हैं। इसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों एक चीज बता दूं, अगर YouTube ऑटोमेटिक अपनी आपकी वीडियो की भाषा को ट्रांसलेट करना लगेगा तो YouTube को एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज्यादा बजट देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्च देना पड़ेगा, एक तरीके से बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक तरीके से हाई बजट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स किसी की भी वीडियो की ऑडियो ट्रैक को ऑटोमेटिक तुरंत के तुरंत डब करना मामूली बात नहीं होती है, इसलिए फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक डब नहीं होगा, आपको मैन्युअली ऑडियो अपने वीडियो में ऐड करना पड़ेगा ताकि आपके वीडियो के लोग अदर अदर भाषा में देख पाए। तो ये था दोस्तों अपडेट, आई होप कि मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।